ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये हम लोग लिख चुके हैं पहले, ठीक है। अच्छा अब इसमें जर्नल जर्नल हो गया, अभी सब हम पढ़ेंगे जर्नल, लेजर, नॉमिनल लेजर और लेजर। अच्छा तो पहले लिख लेते हैं, होते क्या है, जर्नल लेजर, नॉमिनल लेजर या मेन लेजर। तो जर्नल लेजर, नॉमिनल लेजर या मेन लेजर। अच्छा लेजर क्या होते हैं, लिख ले जरा इसको। लेजर क्या होता है, लेजर लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट। कि लेजर खुद कोई चीज नहीं है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स का नाम, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स बना ले तो उसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे आप, लेजर, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा तो लेजर क्या होता है, लेजर कलेक्शन ऑफ अकाउंट, यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स बना ले तो उसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे, लेजर। तो लेजर खुद कोई चीज नहीं, तो मेन चीज क्या है, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अब ये क्या लिखा है, अकाउंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। क्या मतलब हुआ, कि मतलब हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एसेट्स की बात करें तो कैश का एक अलग अकाउंट होगा, उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे कि किस डेट पे कितना कैश रिसीव किया और किस डेट पे कितना कैश पे किया। बैंक का सेपरेट अकाउंट होगा, उसमें सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, किस डेट पे कितना कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया और कितना कैश बैंक से विड्रॉ किया, ठीक। इसी तरह हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा, रेंट एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस का सेपरेट, वेजेस एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट बनेगा। इसी तरह लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल का भी सेपरेट अकाउंट होगा। तो हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगे। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, अलग अलग अकाउंट्स बनाने से, कैश का अलग अकाउंट है, बैंक अलग, फर्नीचर अलग, बिल्डिंग अलग, मशीनरी अलग, रेंट एक्सपेंस अलग, सैलरी एक्सपेंस अलग। इससे आपके पास हर चीज का एक तो सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप इजीली उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इजी आप उसको चेक भी कर सकते हैं, और मंथ एंड पे या ईयर एंड पे अगर आपको बैलेंस फाइंड करना है तो बैलेंस भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे अब हमें कैश का बैलेंस फाइंड करना, जैसे कि जनरल का बना रहे थे। अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट किया हमने, 1 लाख से पूरे मंथ ट्रांजेक्शन होती रही, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट। अब मंथ एंड पे कैश कितना बचा, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है जनरल जनरल के थ्रू तो मुश्किल काम होगा ना। पहले आप उसमें ढूंढेंगे कैश कहाँ डेबिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है, फिर उसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, बैलेंस आएगा। इससे क्या फायदा होगा अकाउंट बनाने से, कि तमाम ट्रांजेक्शन आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, इजिली आप उसको एडलेस करके अपना बैलेंस फाइंड कर सकते। इससे फायदे ये होते हैं दो, कि हर आइटम का एक सेपरेट रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, तो इजिली आप उसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और मंथ एंड या ईयर एंड पे अपना बैलेंस भी इजिली फाइंड कर सकते, ठीक। अच्छा उसके पहले फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व, ट्रिकी अकाउंट बनाए। अच्छा इसके तीन फॉर्मेट है, तीनों में यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, यूज एक ही करेंगे, बाकी दो सिर्फ नॉलेज के। पहला फॉर्मेट है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा, सेंटर में टाइटल ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट नेम आ जाएगा, जैसे कैश, बैंक, रिसीवेबल, पेबल, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल कुछ। राइट में अकाउंट नंबर लिखा जाता है, हर अकाउंट का एक नंबर होता है। इसके बाद ये फॉर्मेट है, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी डेट से लेके अमाउंट तक की, ये इसकी डेबिट साइड होगी, और ये डेट से लेके अमाउंट तक ये इसकी क्रेडिट साइड।
अब जनरल जनरल में क्या होता है, दोनों कॉलम साथ बनते हैं, डेबिट क्रेडिट, इसमें कॉलम सेपरेट हो, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। अच्छा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कॉपी कर ले। ठीक है, तो ये इसका सेकंड फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं स्केलेटन फॉर्म। इसमें क्या होगा, सिर्फ दो लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, इसका शेप क्या बन गया, टी बन गया ना, टी बन गया। ये फॉर्मेट हम यूज करें। इसमें क्या होगा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ये फॉर्मेट यूज होगा प्रैक्टिस में, बुक्स में, एग्जाम में, सब जगह ये फॉर्मेट टी बनाएंगे। ठीक, थर्ड फॉर्मेट का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, और ये इसका फॉर्मेट होगा। इसमें तीन कॉलम बनेंगे, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। अच्छा ये फॉर्मेट नॉर्मली बैंक्स में यूज होता है, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट देखा है किसी ने, इसी फॉर्मेट में होता है, थ्री कॉलम। अच्छा इसमें फायदा क्या है इसका, तो फायदा ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है, इसलिए नॉर्मली ये बैंक्स में यूज किया जाता है ताकि हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेटेड बैलेंस आपको मिल सके। टू पॉइंट वन, जनरल लेजर टी अकाउंट्स बनाते हैं। सब ये जनरल लेजर टी अकाउंट्स आप जनरल जनरल को देखकर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर भी बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर ही हम बना लेते हैं। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिल में 17,500 इन कैश, इसकी डबल एंट्री होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे, दो टी अकाउंट्स बनेंगे, कैश का और दूसरा कैपिटल। ठीक है, अच्छा एंट्री क्या है यहाँ पर, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है, तो राइट। अच्छा इसमें मैंने डेट और अमाउंट लिखे हैं सर, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, फिलहाल डिस्क्रिप्शन बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल सिर्फ डेट और अमाउंट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है और क्यों लिखना होता है। ठीक, सेकंड ट्रांजेक्शन है 8,9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस, तो इसकी डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश अकाउंट बना हुआ है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और बैंक का नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक, तो अब ये इस तरह से बैंक का नया अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो बैंक हो जाएगा डेबिट 9,400 से, और कैश अकाउंट जो बना हुआ है उसी को हम कर देंगे क्रेडिट 9,400। तो बैंक अकाउंट भी इसी तरह सेवन लाइन जो बनेगा, बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट बना हुआ है उसी को आप क्रेडिट कर, डबल एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड। हाँ, इसकी डबल एंट्री होगी ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब दो नए टी अकाउंट्स बनेंगे, पहला होगा ऑफिस फर्नीचर का, डेबिट हो जाएगा 9,2,100, और एक नया अकाउंट बनेगा अकाउंट्स पेबल का और ये क्रेडिट हो जाएगा 2,100। ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट, वेल बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्सन टी फॉर ठीक है, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 5,250, इसकी डबल एंट्री होगी वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो वैन का एक नया अकाउंट बनेगा, वैन या मोटर व्हीकल का,
बैंक का नया अकाउंट बन जाएगा, बैंक डेबिट 5,250, और बैंक अकाउंट बना हुआ है उसी में क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट जी फिलहाल हमें। अच्छा ट्वेल्व है, व्हाट इक्विपमेंट्स फ्रॉम पियर्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट, उसकी डबल एंट्री होगी इक्विपमेंट्स डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इक्विपमेंट्स का आप नया अकाउंट बनेगा इक्विपमेंट्स डेबिट, और अकाउंट्स पेबल बना हुआ है उसी में क्रेडिट कर, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा 2,300। इक्विपमेंट का नया अकाउंट बना ले, अकाउंट्स पेबल बना हुआ है उसी में क्रेडिट कर। इक्विपमेंट्स डेबिट अकाउंट्स पेबल। अच्छा इसमें देखिए सप्लायर चेंज हो रहा है, वैसे पहले ड्रीम लिमिटेड था, अब पियर्स एंड सन्स है, जिसमें आप अकाउंट पेबल बाय नेम भी बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन फिलहाल मैंने एक ही बनाया है, एक ही में रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत सारे अकाउंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो फिलहाल एक ही बनाएंगे सब इसी में रिकॉर्ड। रिटर्न पार्टी फर्नीचर कॉस्टिंग टू डीएम लिमिटेड, उसकी डबल एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट, ये दोनों अकाउंट्स बने हुए ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट 260, अकाउंट्स पेबल डेबिट 260। तो दोनों अकाउंट्स बने हुए, नया अकाउंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट 25th, sold some of the equipments for cash. इसकी डबल एंट्री होगी कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट, दोनों अकाउंट्स बने हुए, एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट 200 और इक्विपमेंट्स क्रेडिट 200, कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट। नेक्स्ट 26 पेड अमाउंट गोइंग टू ड्रीम लिमिटेड बाय चेक, इसकी डबल एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट 1840 और बैंक क्रेडिट 1840, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट 28 टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एडेड टू कैश, इसकी डबल एंट्री कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट 130 बैंक क्रेडिट 130, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट।
कैश डेबिट पे। लास्ट नेक्स्ट 30 एफ ब्राउन लेटर्स 4000 गिवन अस द मनी बाय चेक। इसकी डबल एंट्री होगी बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। तो बैंक डेबिट 4000 और लोन पेबल का एक नया अकाउंट बनेगा और ये क्रेडिट हो जाएगा 4000। बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट है लोन ले रहे हैं ना, और लोन पेबल क्रेडिट। एसेट इंक्रीज डेबिट लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। जी लोन पेबल का अलग बनेगा, अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। अच्छा ये जो हमने ट्रांजेक्शन था रिकॉर्ड किए इसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ठीक, ये जो टी अकाउंट हम बना रहे हैं इसलिए 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ये पहला स्टेप था पोस्टिंग, ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, पोस्ट हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है क्लोजिंग बैलेंसिंग, यानी कि अब हम मंथ एंड पे तमाम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे। 3 स्टेप हो जाते हैं पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस। बताइए तो चलेगा नहीं बता दो कोई तरीका भी आगे आएगा। ट्रायल बैलेंस बनता है लाइक ठीक है, वो भी बाद में बताएंगे। कल तो मैं बनवा रहा हूँ तो सही बनाऊँ आगे जाके पता चलेगा तो पीछे का सब काट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही होंगे। पढ़ लें अभी, पढ़ लें पीपी एग्जाम्स में कुछ भी नहीं बनाना आपको, सब कुछ बना हुआ है। अच्छा ये पहला स्टेप था आप पोस्टिंग। आप मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे। ठीक, अब क्लोजिंग बैलेंसिंग कैसे ना होती है। अच्छा देखिए मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, प्लस माइनस तो आता ही है, नहीं आता ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, अगर जो साइन का चक्कर होता है, अगर दो वैल्यू प्लस की है प्लस करते हैं, दो वैल्यू माइनस किए हैं तो प्लस करते हैं, और एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस माइनस होता है ना। अच्छा तो कुछ ऐसा ही रूल यहाँ पर भी है। अब वहां साइन होते हैं, यहाँ पर साइड है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या होगा, डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस, कोई मैथ वाला रूल ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर रूल क्या, डेबिट डेबिट प्लस होंगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे, डेबिट क्रेडिट माइनस। अब हमें कैश का बैलेंस फाइंड करना है कि मंथ एंड पर कैश इन हैंड कितना बचा। उसके लिए आप क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये कितना बनेगा 17,800। ठीक है 17,830। क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिलहाल एक ही वैल्यू है 9,400, और फिर आप डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है तो कितना बचेगा, 17,830 माइनस 9,400, 8,430। ठीक, अच्छा ये बैलेंस आ गया राइट। अच्छा जब बैलेंस आएगा वो लिखेंगे किस साइड पर, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड, दो साइड। अच्छा यहाँ भी वही मैथ्स का रूल है, जैसे मैथ्स में एक वैल्यू प्लस होती है एक वैल्यू माइनस, माइनस करते हैं साइन कौन सा लगता है, बड़ी वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू का ना। तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा बैलेंस भी उसी साइड पे लिखा जाए। यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, अच्छा ये तो एक रफ तरीका बता दिया मैंने, अब एक प्रॉपर तरीका क्या है इसको क्लोज और बैलेंस करने का। अब प्रॉपर तरीका ये कि आप दोनों साइड का करेंगे टोटल, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, अब यहाँ डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो एक लाइन छोड़कर दूसरी
दोनों साइड पे लिख लेंगे। अभी एक प्रॉपर तरीका है इसका, ठीक है। डेबिट साइड पे टोटल क्या आ रहा था, डेबिट पे लिखेंगे, वही टोटल हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और इसमें से फिर क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, ठीक है। अब 17,830 में से 9,400 माइनस होंगे, बैलेंस कितना आएगा, 8,430। पहले उसे हम लिखेंगे कम वाली साइड पर और फिर उसको उठा के ले जाएंगे बड़ी साइड पे, ग्रेटर साइड, ठीक है। पहले हम डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं कितना आ रहा है, 8,430, और उसके बाद इसे हम ले जाएंगे कहाँ, ग्रेटर साइड पे, बड़ी साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे ले। यहाँ पर ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंसिंग, क्लियर। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस सी स्लैश डी लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है सी बी स्लैश डी। इसकी फुल फॉर्म होती है कैरी डाउन, कैरी, कैरी एक वर्ड, सी ए डबल आर वाई, कैरी, कैरी से बना कैरीड डाउन, और ये ब्रिंग थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रिंग से ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कैरी किया आपने उसको, और ये ब्रॉड डाउन ब्रिंग हो गया ना। तो मंथ एंड के बैलेंस के साथ टर्म यूज होगी कैरी डाउन, और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे बैलेंस भी ब्रॉड डाउन। 30 जून का बैलेंस था 8,430, तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे बैलेंस कितना होगा, 8,430। तो ये इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंस, ठीक है। रिपीट कर दूं, ये हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट की थी। बैलेंस स्टेप क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहे हैं, एक लाइन छोड़कर डेबिट का टोटल डेबिट पे लिखेंगे, वही टोटल लिख लिया क्रेडिट साइड। इसमें से कम वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड माइनस होगी, 9,400 बैलेंस आ जाएगा। तो वो जो लाइन आपने छोड़ी वहां पे आप वो बैलेंस लिख लेंगे 8,430 पहले कम वाली साइड पर, और फिर इसको उठा के ले जाएंगे कहाँ, बड़ी साइड पे, ग्रेटर साइड, ठीक। ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंस। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल अकाउंट, ये मैंने फिलहाल यहाँ बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल को बाद में बैलेंस करेंगे, पहले कैश अकाउंट का, बैंक का, ओके। इसमें देखिए बैंक में भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है ना। डेबिट का टोटल कितना बन रहा है, 13,400, ठीक है। तो ये डेबिट का टोटल लिखते हैं डेबिट पे, वही टोटल लिखेंगे क्रेडिट पर, और फिर इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, पूरी क्रेडिट साइड माइनस होगी, बैलेंस आ जाएगा आपके पास 6,180 का। 13,400 से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तीनों वैल्यूज, बैलेंस आ गया 36,180 का कैरेट डाउन, और ये वहां जाके डेबिट पे शॉर्ट डाउन। क्लियर। तो सेम वही कैश की तरह का अकाउंट बन गया। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, टोटल हमने डेबिट पे लिखा, वही टोटल क्रेडिट पे, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया हमने तीनों वैल्यूज, बैलेंस आ गया 6,180 डाउन, और ये डेबिट पे जाके फ्रॉड डाल।